फाइनली दोस्तों मैंने एक और वीडियो तैयार कर लिया है और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में कुल कितने कंट्री मेंबर हैं। कुल कितने कंट्री मेंबर कहने का मतलब जैसे यूनेस्को में 193 देश, सार्क में 8 देश, आईएमएफ में 190 देश, रेड क्रॉस में 191, डब्ल्यूएचओ में 194, ऐसे 23 प्लस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिनके कंट्री मेंबर का अंक जो है उसे याद करने वाले हैं रिलेट करके ट्रिक से, क्योंकि लिस्ट तो आप कहीं से निकाल सकते हैं, बुक से निकाल सकते हैं, गूगल करके निकाल सकते हैं, है ना। मेन बात है कि याद करना। क्या इस वीडियो को देखकर आप याद कर सकते हैं, ये मेरे लिए चैलेंज है। अगर मैं पूरा करता हूँ तो जाहिर सी बात है आप मुझे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों को, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए हमारे अपने चैनल स्टडी कॉर्नर यूट्यूब चैनल को। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले पॉइंट से जो कि है नाफ्टा। और नाफ्टा का फुल फॉर्म भी आप देखते जाइए, बहुत अच्छा रहेगा। नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी उत्तरी अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौता। नाफ्टा को याद रखने के लिए सिंपल सा आप इसे नाश्ता कर लीजिए। और नाश्ता तीन तरह का होता है, देखिए हमारा तीन अंक है यहाँ पे इसलिए मैं बोल रहा हूँ। नाश्ता तीन तरह का होता है, एक होता है सुबह का ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच और रात का डिनर। तो नाश्ता हमारा कितने तरह का हुआ, तीन तरह का, नाफ्टा फॉर नाश्ता, बिल्कुल ये भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट है सार्क। सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, और हिंदी में सार्क को दक्षेस के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए याद करने के लिए सार्क और आर्ट को अगर लगातार साथ में पढ़ते हैं, देखिए आप खुद पढ़ के देखिए, सार्क आर्ट, सार्क आर्ट, ऐसा लग रहा है जैसे कह रहे हो कि सर काट, किसी का सर काट, ऐसा मत कीजिएगा, ये हिंसा वाली बात नहीं करना चाह रहे। तो सार काट, सार्क और आर्ट बिल्कुल याद रहेगा। नेक्स्ट देखिए अब संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी संघाई सहयोग संगठन, इसमें सदस्य संख्या 8 है। संघाई को कर लीजिए सगाई, और सगाई यानी रिंग सेरेमनी, और ऐसा जब होता है तो वर और वधु एक दूसरे के हाथों की उंगलियों में क्या पहनाते हैं, अंगूठी पहनाते हैं। तो सब कुछ इमेजिनेशन आप मन में कर रहे होंगे, इमेजिनेशन में आपको दिख रहा होगा सगाई हो रहा है और हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, अंगूठी पहनाया जा रहा है, हाथ फोड़े यहाँ से 8, ये बिल्कुल नहीं भूलेंगे आप। नेक्स्ट है रेड क्रॉस। रेड क्रॉस में सदस्य संख्या कितने हैं, 191। इसे समझना है तो पहले एक रेखा खींचते हैं, और रेखा जो है रेड कलर का है, और रेड क्रॉस नहीं करना है क्योंकि लाल खतरे का रंग होता है, और रेड क्रॉस करेंगे यानी कि आप खतरे की ओर जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जो भी जाएगा मना करेंगे, देखिए कोई जा रहा है तो कहें ए ना ए मत जा उधर, रेड क्रॉस मत कर, ए ना ए रेड क्रॉस मत कर, देखिए ए 41 ना 49 ए ए ना ए मत जा ए नहीं बोलते हैं ना, तो याद रह गई। तो रेड क्रॉस बिल्कुल क्लियर हो गया, नाफ्टा नाश्ता तीन तरह का, सार काट 8 हो गया, संघाई हाथों में पहनाते हैं उंगलियों पे, और रेड क्रॉस ए ना ए बिल्कुल आप निश्चिंत होकर देखते जाइए, अब हमारा काम है आपको याद करना, आप इन्जॉय कीजिए। देखिए ओपेक और एपेक यहाँ पे दो चीज़ है जो आपको कंफ्यूजन करता है, और बिल्कुल ही जाहिर सी बात है देख ही लग रहा है कंफ्यूज कर गई है। खुद हम देख लीजिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज यानी पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, और एपेक मतलब एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन यानी एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग। ओपेक में 13 कंट्री है और एपेक में 21 कंट्रीज हैं, समझ गए। अब देखिए ट्रिक हम बनाएंगे ओपेक और एपेक लेकर के, दोनों में एक कॉमन वर्ड जो है वो है पैक। पैक किसको बोलते हैं, जो शराबी लोग ग्लास में रख करके शराब रखते हैं उसको पैक बोलते हैं, मेरे अनुसार हम जानते हैं जो बता रहे हैं। अब जैसे थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी दूर करना है तो समझना पड़ेगा। वैसे जैसे दो शराबी है, एक इधर बैठे हुआ है, एक इधर बैठा हुआ है, ठीक है, और टेबल पे दो को ग्लास में रखा हुआ है, दोनों में पैक बना के। तो ये शराबी जो है जनरली नशे में चले जाते हैं, तो ऐसे पूछेंगे वो पैक जो किसका है, वो पैक तो तेरा है, हाँ तेरा है वो पैक, जाहिर सी बात है पढ़ने से ही लग रहा है दूरी का बहुत हो रहा है, वो पैक तेरा है बिल्कुल होगा। और ये पैक, वो पैक और ये ए पैक किसका है, वो खुद को मतलब पहचान नहीं पड़ा कि हम भी बैठे हुए हैं, वो पैक तो तेरा है, ए पैक किसका है, हाँ। तो देखिए ए किस का है, ए किस, 21 को ए किस बोलते हैं हिंदी में ना, ए किस का है, ए पैक किस का है, ओ पैक तेरा है, देखिए कितनी बार रिपीट कर दिया मैंने, आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाटो,
नाटो का फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, और इसमें 30 मेंबर कंट्रीज हैं। नाटो इसे पढ़ना है तो सिंपल ऐसे ना टी ओ पढ़िए, टी फोर यहाँ पे 3 कर लीजिए और ओ को 0 कर दीजिए, सिंपल, एकदम सिंपल। नाटो ना टी ओ। एस एम का फुल फॉर्म है एशिया यूरोप मीटिंग, एशिया यूरोप बैठक, और इसका सदस्य संख्या है 53 यानी कि 53। 53 को कर लीजिए 53, 13 पान कह लीजिए या फिर 13 पेन कह लीजिए। अगर पान खा रहा है तो 13 पान अशम है, तारीफ कर रहा है, और यदि किसी का पेन बहुत अच्छा है तो 13 पेन अशम है, तारीफ कर रहे हैं। एस एम यहाँ पे है, एस एम अशम कर लीजिए, बहुत अच्छा है, और 13 पेन 53, 13 पान 13 पान, हर तरह से वर्ड और अंक मिलता जुलता मिल जाए, बस काम बन जाए, और क्या, यही है ट्रिक। तो ओपेक एपेक समझ गए, ओ पैक तेरा है, एप पैक है किसका है, और नाटो ना टी ओ, और एस एम ऑशम है 13 पान 13 पेन जो भी बोलिए। तो ये भी बिल्कुल क्लियर हो गया, 4 4 8 हो गए। नेक्स्ट है G8, और स्मार्ट कंट्री है, नाम से ही पता चल रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है इसका ट्रिक बनाना, नहीं बना सकते, और ऐसे ही याद कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए ब्रिक्स है, और ब्रिक्स का फुल फॉर्म ही कंट्री के नाम से है, बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका, ठीक है, और इसमें टोटल सदस्य देश 5 है क्योंकि 5 कंट्री है। नेक्स्ट है मार्कोसुर, और मार्कोसुर जो है आप देखेंगे इसका मीनिंग इससे मैच नहीं करता है, इसलिए क्योंकि मार्कोसुर जो है वो स्पेनिश वर्ड है, और सिर्फ आर की जगह और एल कर दीजिए तो ये हो जाएगा मार्कोसुर, और ये हो जाएगा पुर्तगीज यानी कि पुर्तगाली वर्ड हो जाएगा। जनरली इसका मीनिंग निकलता है साउदर्न कॉमन मार्केट यानी दक्षिणी आम बाजार, इसमें 5 सदस्य हैं। तो चलिए मार्कोसुर से ही हम लोग याद करने वाले हैं, मार्कोसुर से लग रहा है कि मार्कोसुर मार्सुरा को ऐसा कुछ। और देखिए ब्रिक्स लिखा है, यानी कि ब्रिक्स का मतलब ईंट होता है हिंदी में, ईंट, अब किसी को ईंट पकड़ के मारने की बात ऐसी हो रही है। पूरे लिस्ट में 2 जगह हो गया मारने वाली बात, एक हो गया सार काट यानी सर काटने वाली बात, और यहाँ मार्कोसुर ब्रिक्स से यानी ईंट से, तो जाहिर सी बात है ईंट पकड़ने के लिए 5 उंगलियों की जरूरत पड़ेगी, ये 5 हो गया, और मारने की बात है पंजा से भी लोग मार सकते हैं, हर तरह से है, याद रहेगा। नेक्स्ट अब देखिए वर्ल्ड बैंक, और इसमें 189 कंट्रीज हैं, याद रखने के लिए बैंक को देखिए, जब भी बैंक जाते हैं और पता चलता सर्वर डाउन है, सर्वर डाउन होता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हम इसी वर्ड से हम लोग ट्रिक बनाने वाले हैं, सर्वर डाउन, और चूंकि सर्वर से तो कोई अंक नहीं है इसलिए सर्वर को हम लोग कहेंगे कि एंटीना डाउन, सर्वर डाउन है मतलब एंटीना, देखिए एंटीना ने एंटी यानी कि 18 हो गया, ना फोर 9 हो गया, समझे, देखिए कैसे हमें एक वर्ड से जोड़ना पड़ता है, बहुत डिफिकल्ट है ये, आप कोशिश करके देखिएगा, बहुत मेहनत लगता है। तो यहाँ पे एंटीना मैंने कहा, बैंक का सर्वर डाउन यानी एंटीना डाउन, एंटीन यानी 18 हो गया, और 9 यानी कि ना हो गया, याद रहेगा, भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट अरब लीग, अरब लीग में 22 कंट्रीज हैं, और अरब लीग को कर लीजिए अरब लोग, अब अरब एक कंट्री भी है, वहाँ के लोगों को कह सकते हैं या फिर अरबपति लोगों को भी कह सकते हैं, तो वो लोग भी कैसे हैं, वो लोग भी हमारी की तरह होते हैं, उनके भी दो दो हाथ पैर होते हैं, दो दो हाथ पैर, जैसे हम हैं वैसे वो भी हैं, अरबपति हो करोड़पति हो या फिर अरब लोग हो, सबका दो दो हाथ पैर होता है, यानी 22, समझ गए। नेक्स्ट है UNO यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संगठन, और इसमें 193 सदस्य देश हैं। देखिए UNO लिखा हुआ है, अगर हम U को अलग करके पढ़ें तो यू नो, ऐसा लग रहा है क्या आप जानते हैं, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, क्या जानते हैं, अब इधर आते हैं, 193 एक नौ टी एक नटखट बच्चा 190, अब इसको मिला के देते हैं, यू नो हर घर में एक नौटी बच्चा होता ही है, हर घर में एक नौटी बच्चा होता है, यू नो एक नौटी, एक हो गया 1 9 4 9 T 4 3, एकदम सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए एशियान, और एशिया एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस यानी दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संघ, और इसमें कुल सदस्य संख्या 10 है। एशियान में देखिए सिया एक वर्ड है, सिया यानी सीता माँ, राम भगवान, सीता माँ, रामायण आपने देखा है,
तो सिया जी को उठा करके कौन ले गया था, दशानन, यानी दशानन यहाँ पे 10 कंट्री हो गया एशियान से, सिर्फ एशियान है। इसलिए देखिए अन्य भी नाम मिलेंगे जितने एशिया वर्ड हो, सिर्फ एशिया रहे यानी सिया, तो रामायण आपको याद करना है जिसमें दशानन उनको ले गया था हरण करके, तो दशानन को 10 हो गया एशियान, बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट देखिए नाम, नाम का फुल फॉर्म नॉन अलाइन मूवमेंट यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन। अब ये है 120 यानी कि बरा और जीरो, ये दो वर्ड है यहाँ पे। आप ये सुने होंगे नाम कि बड़ा नाम है मतलब हीरो है, अब कुछ नहीं है मतलब जीरो है, तो नाम से ही है सब कुछ। बड़ा नाम है तो क्या है, वो हीरो है नहीं तो जीरो है, बड़ा है 12 हो गया नहीं तो जीरो है वो जीरो हो गया, 120 नाम से ही सब कुछ है। ये क्लियर है, ये भी पेज अरब लोग का दो दो हाथ पैर, यू नो 190 यानी 193 सब हर घर में होता है, और एशिया सिया जी को दशानन ले गया था हरण करके, नाम बड़ा होता है और नहीं होता है तो जीरो होता है, तो ये हो गया 120, ये भी क्लियर है। नेक्स्ट OECD ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, और इसमें कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 37। ये रहा अंक हमारा 37, और इसे हमें वर्ड में चेंज करना होगा ताकि हम रिलेट कर पाएँ, तो देखिए कैसे वर्ड में चेंज करते हैं। ये हो गया हमारा 34T, और ये हो गया 7 T-shirt, कपड़ा एक होता है ना टी शर्ट पहनने वाला, उसकी बात कर लेते हैं, तो टी शर्ट हो गया 37। अब यहाँ पे देखिए एक विकास नामक लड़का है और उसे आर्थिक सहयोग की ज़रूरत है, बदन पर कपड़ा भी नहीं है, इतना गरीब है, तो उसके सहयोग के रूप में हमने उसे क्या दे दिया, टी शर्ट दे दिया। आर्थिक सहयोग किया किसका, विकास का, और क्या किया मैंने उसे, टी शर्ट दे दिया, सिंपल याद रहेगा। नेक्स्ट WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन, और साथ ही साथ इंटरनेशनल कोर्ट अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, दोनों में ही सदस्य देश 194 हैं, कहे तो 194 है, 194 मतलब एक चोर आया, ऐसा कुछ मीनिंग निकल रहा है, ध्यान से सोचिए 194। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है हु कौन, तो हमने जवाब दिया अरे भाई एक चोर आया था, 194 समझ गए। अब जाहिर बात है चोर पकड़ा गया तो उसका न्यायालय में उसका मतलब न्याय मिलेगा, जो भी होगा तो न्यायालय जाएगा, वही एक कौन, वही जो एक चोर आया था 194। बिल्कुल कोई समस्या नहीं आएगी याद करने में या फिर रिकॉल करने में। तो यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं, ADB का मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक, हिंदी में कहें तो एशियाई विकास बैंक, और इस बैंक में टोटल सदस्य संख्या कितने हैं, 68। अब आप तो तुरंत बोल रहे होंगे ना मनी मन, सर जी तो बैंक का सर्वर डाउन कराए थे, यहाँ भी सर्वर डाउन कर देखा, तो नहीं भैया यहाँ पे सर्वर डाउन नहीं करना है, अंतर समझिएगा, वो वर्ल्ड बैंक है, विश्व का बैंक, और ये क्या है, एशिया का बैंक है। अब आप ही बताइए कि छोटा कौन है, सिंपल सा जवाब मिलेगा, एशिया का बैंक छोटा होगा, तो देखिए छोटा है 6 और 8, और वो वर्ल्ड बैंक था इसलिए उसका सर्वर डाउन तो होगा ही ना, एंटीना डाउन हो रहा था 18 और 9, एकदम लीजिए भाई। आगे बढ़ते हैं, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, और इसमें कुल सदस्य देश कितने हैं, 187। अब इसको पढ़ेंगे, एक हाथ से साथ दे रहा है तो काम कैसे होगा, जायज बात है श्रम वाला काम हो रहा है, लेबर वाला काम हो रहा है, और कोई आदमी जो है काम कर रहा है लेकिन एक हाथ से साथ दे रहा है, काम कहलाएगा वो नहीं कहलाएगा, और उसको साथ देना तो कैसे साथ देना होगा, दोनों हाथ से साथ देना होगा, देखिए यहाँ पे दोनों हाथ से साथ, तो इतना अगर साथ देंगे तो इतना कंट्री तो है ही नहीं, इसलिए वो ठीक ही कर रहा था, एक हाथ से साथ दे रहा था, श्रम हो रहा है ना कैसे भी हो रहा है, थोड़ा थोड़ा होगा याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेंस फंड, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, और इसमें कुल सदस्य देश कितने हैं, 191। सिंपल सी बात, जब भी यूनिसेफ UNO अंकटार कुछ भी UN करके आए ना, आगे में आप UN4 19 लगा दीजिए, देखिए UNI 19 हो गया, और सेफ है मतलब जाहिर सी बात है कि एकदम सेफ है, अकेला है, उसके पास कोई नहीं है तो सेफ ही है ना, उसके पास अगर बॉडीगार्ड भी है तो सेफ नहीं है, क्या पता बॉडीगार्ड के मन में क्या है, तो गोली मार दे, समझ गए, तो 19 हो गया सेफ है मतलब अकेला है, 191।
अब देखिए IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसमें सदस्य संख्या कितने हैं 194, 194। इसका ट्रिक हम बना ही नहीं पाए हैं, सच्ची बता रहे हैं दोस्तों, इसका ट्रिक आप बना दीजिए, आप बहुत मेहरबानी होगी और दोस्तों को सहयोग भी मिलेगा, कमेंट करने का आपको बहाना भी मिल जाएगा। तो कमेंट करके इसका ट्रिक बताइए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का ट्रिक क्या होगा। तो यहाँ पे अब हमारा लास्ट पॉइंट है UNCTAD यानी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन व्यापार और विकास, यहाँ पे संगठन होगा ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन व्यापार और विकास संगठन UNCTAD। फिर से हमारा UN है, UN मैंने आपको बताया था ना, जहाँ भी UN देखे फटाक से आगे 19 लगा दीजिएगा, 19 ठीक है, और लास्ट में UNCTAD है, टार है मतलब A41D44 मिला दीजिए तो हमारा 5 हो गया, और सबसे ज़्यादा कंट्री किसी में है तो वह है UNCTAD ठीक है, बिल्कुल ये याद रहेगा। दोस्तों एक और है जो मेरे ध्यान से छूट रहा है, वो है WTO, ये 25वां ऑर्गेनाइजेशन है ठीक है। WTO में टोटल 164 सदस्य देश हैं, याद कैसे रखें, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व व्यापार संगठन, व्यापार की बातें हो रही है, व्यापार में जाहिर सी बात है सेल का बात ना हो कैसे होगा, सेल का बात होगा ही, और सेल होगा तो मनी आएगा, तो सेल फॉर मनी, सेल 16 हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया, तो मनी के लिए सेल किया जाता है और यही व्यापार कहलाता है। तो क्या व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन, सेल करना 16, 4 यहाँ पे 4 हो गया, 164, उम्मीद है आप भूलेंगे नहीं, एक छोड़ करके ये आप मॉनिटरी बनाने के लिए कहा है, कमेंट कीजिएगा, और उम्मीद है कि आपको सब कुछ पसंद आया। तो चलिए एक टेस्ट हो जाए, 5 क्वेश्चन है, आप जवाब दीजिए, WHO में कितने सदस्य देश शामिल हैं। WHO मतलब हु हो गया, मतलब कौन, जवाब था कि 194। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्क में कितने सदस्य देश शामिल हैं, इसका सही आंसर होगा सरकाट 8 हो गया। नाफ्टा में कितने देश सदस्य देश शामिल हैं, नाफ्टा कुछ याद आ रहा है, नाफ्टा नाश्ता कितने तरह का होता है, 3 तरह का, लंच डिनर ब्रेकफास्ट। नाटो में कितने सदस्य देश शामिल हैं, नाटो में हो जाएगा नाटियो T43O40 ये हो गया हमारा 30। एशिया में कितने सदस्य देश शामिल है, एशिया कुछ याद आ रहा है, सिर्फ एशिया है, और भी थे ऑर्गेनाइजेशन जिसमें एशिया लगा हुआ था, लेकिन सिर्फ एशिया वाली बात, रामायण वाली बात, रामायण में CIG को दशानन उठा के ले गया था, नहीं रावण उठा के ले गया था, हरण किया था, दशानन फोर 10 हो गया। उम्मीद है कि आपने सब आंसर दिया है, और फिर भी आप रिवीजन जरूर कीजिएगा, एक बार रिवीजन बनता है दोस्तों, और क्विज कॉर्नर एप्लीकेशन आपको मालूम ही है उसमें हम डाल देंगे, अगर हम डालना भूल जाते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताइए, याद दिला दीजिए, भुलक्कर हैं हम इसलिए तो ट्रिक बनाते हैं आपको याद करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब में कोई कमी मत रखिएगा, हम भी अपने ट्रिक बनाने में कोई कमी नहीं रखते हैं, आपको अगर लगता है कि कमी रखते हैं तो आप जो मर्जी करते हैं कीजिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि हम दिल से आपका सपोर्ट सहयोग कर रहे हैं तो आप भी मुझे कीजिए, उम्मीद है आप समझ रहे होंगे हमारे मन की बात को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम, आपका दिन एग्जाम बहुत ही अच्छा है, मां सरस्वती की कृपा बनी रहे।